हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरा नमस्कार। आप सबका डिमांड से और आप सभी के लिए ये वीडियो में बना रहा हूँ। आपने हमसे पूछा था जो PVT 501 और जो 701 का जो एम्पलीफायर है, इसका जो साउंड ट्रांसफॉर्मर है, अगर ये चल जाए या शॉर्ट हो जाए, इसका जो साउंड आउटपुट कनेक्शन है, उस कनेक्शन के बारे में बोलिए। उसी विषय में वीडियो है, आप देखते रहिए, मेरे साथ रहिए। कैसे मैं इसका कनेक्शन आप जोड़ेंगे वो मैं आपको दिखा दूंगा। आप कनेक्शन जोड़ लीजिए तो आपका ट्रांसफॉर्मर जल जाए या शॉर्ट हो जाए तो आप ये मशीन फिर से इसका साउंड आउटपुट आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं मशीन का ढक्कन पहले से खुल के रखा है जो वीडियो है जल्दी बन जाए। और ये जो मशीन है PVT 701 का एम्पलीफायर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं दिखा दे रहा है वो कनेक्शन आप कैसे इसको करेंगे और साउंड आउटपुट आपका मिल जाएगा। फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, जो PVT 501 और PVT 701 का जो एम्पलीफायर है उसका जो साउंड आउटपुट यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, और यह है सिंगल फीडबैक आउटपुट ट्रांसफार्मर, एक ही कनेक्शन और एक बॉडी में है। ये जो तार है ना, ये तार को आप यहाँ से खोल लीजिएगा। ठीक है, मैं खोल के आप लोगों को दिखा दे रहा है। ये वाला जो तार है आप खोल दीजिएगा, यहाँ पर अगर कनेक्शन अगर जुड़ा होगा तो काम नहीं करेगा। ठीक है, आप इसको खोल के इसका अंदर में बैठा दीजिएगा। आप अलग से एक तार ले लीजिएगा। ठीक है, 2.5 mm का तार होना चाहिए, जोड़ लीजिएगा तो आपका साउंड आउटपुट मिल जाएगा। और एक कनेक्शन आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और नहीं तो इसका जो 4 ohms का जो लाइन है वहाँ पर आप जोड़ लीजिएगा, वो भी मैं आपको दिखा दे रहा है, आप लोग वैसा ही जोड़ लीजिएगा, देखते रहिए। फ्रेंड्स इधर देखिए, ये है ग्राउंड कनेक्शन और यह है 2 ohms का कनेक्शन, यह है 4 ohms का कनेक्शन। ये 4 ohms का कनेक्शन आप खोल लीजिएगा, इसको आप खोल लीजिए। अगर ये लाइन जुड़ा रहेगा तो आपका लाइन शॉर्ट हो जाएगा। फ्रेंड से तार को खोल के आप साइड कर दीजिएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, ये जो तार है ना, ये तार आप यहाँ पर जोड़ दीजिएगा। फ्रेंड्स ये वाला तार यहाँ पर जोड़ दीजिएगा 4 ohms के कनेक्शन के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने जैसा कनेक्शन मैंने दिखा दिया आप लोगों को, आप ऐसा कनेक्शन जोड़ लीजिए, मशीन का साउंड आउटपुट मिल जाएगा। अगर ट्रांसफार्मर मशीन में बैठा रहेगा तो एक भी ट्रांजिस्टर अगर खराब हो जाएगा तो तुरंत मशीन पोटेक में चला जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको सावधानी भी कर दे रहा हूँ, इसलिए जो ट्रांसफार्मर आप जितना जल्दी हो सके आप रिपेयर करके ये ट्रांसफार्मर को आप बैठा दीजिए। आप ट्रांसफार्मर को रिपेयर करके बैठा दीजिए, नहीं तो ये ट्रांजिस्टर अगर शॉर्ट हो जाए या जल जाए तो आपका स्पीकर भी खराब हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मशीन में नहीं रहेगा तो आपका मशीन खराब होने का चांस और भी ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको सावधानी कर दे रहा है। उसी में मशीन का भलाई है, ट्रांसफार्मर मशीन में होना बहुत ही ज़रूरी है। जितना जल्दी हो सके आप ट्रांसफार्मर रिपेयर करके मशीन में बैठा के मशीन को चलाइए। ठीक है, मैंने बोल दिया फ़ायदा और नुकसान के बारे में। अभी इसको स्पीकर लाइन जोड़ के आप लोगों का म्यूज़िक प्ले करके सुना रहे, देखते रहिए। फ्रेंड्स मशीन में पावर देके ये म्यूज़िक प्ले कर दिया। ठीक है, ये चल रहा है मशीन। ठीक है, विदाउट ये जो ट्रांसफार्मर है ना, ट्रांसफार्मर का लाइन खोल के ये मशीन चल रहा है। आप लोगों ने मुझे पूछा था, मैंने कनेक्शन के बारे में मैंने दिखा दिया, आप लोग कनेक्शन कर लीजिए। और ठीक है, और एक बात आपसे आप लोगों को बोल दे रहा है, जो ट्रांसफार्मर का मॉड्यूल है, यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर है, पावर ट्रांसफार्मर, अगर शॉर्ट हो जाए या ड्राइवर बोर्ड में कोई खराबी आ जाए तो क्या होगा ना, आपका स्पीकर भी जल सकता है। अगर ट्रांसफार्मर बैठा रहेगा तो जैसे ही कोई भी एक भी स्पीकर मशीन का खराब होगा ना, तो तुरंत ये जो ओवरलोड स्विच है ना, मशीन पोटिंग में पड़ जाएगा। इसलिए ट्रांसफार्मर को रिपेयर करके बैठा दीजिए, मैंने भी बोल दिया। फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो PVT 501 और 701 के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए लाइक दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब माय चैनल, बगल का बेल बटन प्रेस करके ऑल कर दीजिए। जब भी आपके लिए वीडियो बना के भेजेंगे आपके पास पहला चला जाएगा। फिर मिलते हैं दूसरे कोई वीडियो में मशीन के बारे में। आज के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।